छत्तीसगढ़ कांग्रेस राजनीतिक दल से ज्यादा कुश्ती का अखाड़ा बन गई है। पिछले कुछ महीनों से ढाई ढाई साल के मुख्यमंत्री के सवाल ने पार्टी के विधायकों को दो गुटों में पहले ही से बांट रखा है। अब तक इस लड़ाई में जुबानी जंग चल रही थी, राजनीतिक दांव पेच से एक दूसरे को पटखनी देने की कोशिश की जा रही थी। अब पार्टी के कार्यकर्ता भी किसी न किसी बहाने सचमुच एक दूसरे से आपस में भिड़ने लगे हैं। अभी कल ही NSUI के दो गुटों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। चार पांच दिन पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का की मौजूदगी में जशपुर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बघेल से कुर्सी छोड़ने और TS सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाने की मांग करने पर उन्हें डाइस से धकेल दिया गया था। मंच पर काफी बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था। अब खबर है कि कांग्रेस के दो नेता पार्किंग को लेकर आपस में भिड़ गए। ये मामला भी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का ही है, जहां कांग्रेस दफ्तर राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की मौजूदगी में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री अमरजीत सिंह चावला और कर्मकार सनिर्माण बोर्ड के अध्यक्ष सन्नी अग्रवाल आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों कांग्रेसी नेताओं के बीच जमकर हाथापाई गाली गलौच हुई। वहां मौजूद दूसरे नेताओं ने दोनों पदाधिकारियों को अलग कर बीच बचाव किया। जाहिर है भाजपा को कांग्रेस को घेरने का एक और मौका मिल गया। पार्टी विधायक अजय चंद्राकर ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया को संबोधित करते हुए ट्वीट किया कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस भवन मारपीट लड़ाई झगड़ा गाली गलौज का हॉट स्पॉट बन गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बेबस होकर देखते रहे, उनका कांग्रेस में सुनने वाला कोई नहीं है। उसी तरह कल यानी 29 अक्टूबर को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में NSY के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन के स्वागत की तैयारी चल रही थी, लेकिन इस तैयारी में इतना जोश आ गया और स्वागत की ऐसी होड़ मची कि NSY के दो गुटों के कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए। फिर जमकर धक्का मुक्की हुई, गाली गलौच, हाथापाई और मारपीट तक की नौबत आ गई। NSY के कुछ कार्यकर्ता हवा में बेल्ट लहराते हुए भी नजर आए। दरअसल NSY के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने रायपुर पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर स्वागत के दौरान ही दोनों गुट एक दूसरे के ऊपर बढ़त बनाने के चक्कर में गुत्थम गुत्था होते नजर आए। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंचे तो यहां मामला तूल पकड़ लिया। नारेबाजी की होड़ में कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की और तूतू मैं शुरू हो गई। हालांकि NSY के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे का कहना है कि कांग्रेस भवन में मारपीट जैसी कोई घटना नहीं हुई है। कार्यकर्ता जरूर उत्साहित थे, यानी पार्टी के बड़े नेता इस मामले को लेकर कन्नी काटते नजर आए। आज की रायपुर की घटना पिछले एक हफ्ते के दौरान कथित मारपीट, धक्का मुक्की, गाली गलौज की तीसरी घटना है। इसकी वजह से पार्टी और प्रदेश सरकार की किरकिरी हो रही है। जाहिर है इन घटनाओं को लेकर कांग्रेस और NSY के पदाधिकारी नजरें बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं भाजपा चुटकी लेने से बाज नहीं आ रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देव साय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक खुला पत्र लिखकर चुटकी लेने के साथ साथ कांग्रेस को घेरने की भी कोशिश की। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस का सत्ता संघर्ष अब जिस मुकाम पर जाता नजर आ रहा है, वो न केवल प्रदेश के राजनीतिक सौहार्द को खत्म करने वाला है, बल्कि प्रदेश की राजनीति को गैंगवार की शक्ल भी देने वाला है। प्रदेश में एक तो बढ़ते अपराधों की वजह से कानून व्यवस्था की यूं ही ढेरों चुनौतियां हैं, अब सत्तारूढ़ दल का यह संघर्ष आगे चलकर हालात को और चुनौतीपूर्ण कर देगा। ऐसे में आग्रह है कि ढाई ढाई साल के मामले पर कोई ठोस निर्णय लेकर प्रदेश को राजनीतिक अस्थिरता के भंवर में जाने से बचाएं। अगर भाजपा अध्यक्ष की बातों को राजनीतिक बयान मान भी लिया जाए, तो भी सच्चाई ये है कि आजकल छत्तीसगढ़ में, खास तौर पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है, वो यदि गैंग वार या सिविल वार नहीं तो पार्टी को आपसी कुश्ती का अखाड़ा जरूर बना दिया है, जिसका नुकसान पार्टी को अभी भी हो रहा है और आने वाले चुनाव में भी हो सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।